दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बी एस एफ एग्जाम के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा कहावत जो है इसका सही अर्थ क्या होगा चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अपनी बुराई नहीं दिखना अपनी बुराई नहीं दिखना इसका मतलब होता है चिराग तले अंधेरा मूर्ख धनबान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है चार ऑप्शन है इसका आंसर क्या होगा तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंख का अंधा गांठ का पूरा नेक्स्ट है सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है तो इसका देखिए क्या होगा चार ऑप्शन है इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है अपनी ढफली अपना राग निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो गलत वाला बताना है ऑप्शन सी बाकी के तीन सही हो जाएंगे सूची का होता है पवित्र सर का सरोवर सर्ग का होता है अध्याय निर्देश है प्रश्न संख्या चौदह से पंद्रह के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है जैसे कि क्वेश्चन है अपने हाथ से स्वयं काम करो इसका शुद्ध रूप क्या होगा इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपना ऑप्शन है, अपना काम स्वयं करो क्या हो जाएगा अपना काम स्वयं करो हमारे नाक में दम हो गई है इसका शुद्ध रूप क्या होगा तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन है, हमारी नाक में दम हो गई है अगला है दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ है तो देखिए दो टूक कहना ये है ऑप्शन ए स्पष्ट करना क्या हो जाएगा स्पष्ट करना निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है तो देखिए शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाण को ऐसे लिखते हैं परिमाण ना कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी की तरह जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए आचिंत्य आचिंत्य प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या है प्राकृतिक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है तो प्राकृतिक शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम क्या हो जाएगा कृत्रिम नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो पुरलिंग है ऑप्शन ए नहीं है ऑप्शन सी भी नहीं है ना ऑप्शन बी है लेकिन ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मोती घनश्याम में कौन सा समास है तो घनश्याम में हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास कर्मधारय भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा ऑप्शन ए भो धन अन निम्नलिखित में निम्न में कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन डी दारा बाकी के तीन हैं नंदिनी तनुजा और दुहिता जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा कहते हैं इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो देखिए नहीं है तो ऑप्शन बी कन्नौजी बाकी के तीन अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी अगला है मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ इस बाग में जो बाहर है ये किस प्रकार का शब्द है ये शब्द आपको बताना है तो ये आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय क्या हो जाएगा अव्यय धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा तो धरित्री का तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन ए धरती निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन सी अच्छा बाकी के तीन है शिक्षक सोना और किताब तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा शीतलतम ये नहीं है बाकी के तीन हैं जैसे कि सुंदरतम उच्चतम कोमलतम ऊ का उच्चारण स्थान क्या है तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कंट नेक्स्ट किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है तो देखिए ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए सी और डी के तरह नेक्स्ट किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है देखिए इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी मॉरिसस में मॉरीसस में किया जाता है उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए लालसा क्या हो जाएगा लालसा ऊहा पो का पर्यायवाची क्या होगा ऊहा पो का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी असमंजस असमंजस जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहेंगे ऑप्शन डी आशुतोष जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन बी आजानु बाहु अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपसर्ग जो होता है वो होता है आगे वाला तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप उपसर्ग उल्लंघन में उपसर्ग बताइए तो उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी उत उपसर्ग उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उन्मेष में हो जाएगा ऑप्शन बी उद उपसर्ग कौन सही सुमेलित है सही वाला बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुरक्ति का होता है विरक्ति निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है तो ऑप्शन डी उपमा बाकी के तीन अनुप्रास यमक निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है ऑप्शन सी बक्रोक्ति बाकी के तीन उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अगला तो है निम्न में कौन एक भिन्न है तो ऑप्शन डी दृष्टांत निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है तो ऑप्शन भी हो जाएगा बरवय निम्न में कौन सा बाणिक छंद है बाणिक छंद की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मंदा क्रांता शांत रस का स्थाई भाव क्या है शांत रस का स्थाई भाव हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वेद क्या हो जाएगा निर्वेद अनुराग किस रस का स्थाई भाव है ऑप्शन बी बात्सल्य रस प्रिय प्रवास किसकी रचना है तो प्रिय प्रवास है ऑप्शन ए अयोध्या प्रसाद सिंह उद्या उपाध्याय हरि अवध भ्रमर गीत किस कवि की रचना है तो ऑप्शन बी तो हो जाएगा सूरदास और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है ऑप्शन सी सूर सागर तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद आपका दिन सुबह रहे